नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। आज के इस लेक्चर के अंदर जो लेक्चर नंबर 27 है ऑन आईपीसी लेक्चर सीरीज, और आज के इस लेक्चर के अंदर ऐसा टॉपिक कवर होने वाला है और उसकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाएगी कि आप खुश हो जाएंगे। टॉपिक थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया क्या है, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग एंड अ बेटर अलॉन्ग विद ऑल द एक्सप्लेनेशन गिवन अंडर सेक्शन 107 एंड 108, धारा 107 और 108 के अंदर जो अबेटमेंट ऑफ अ थिंग के बारे में बताया गया है और अबेटर के बारे में बताया गया है, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन है। क्या एक एक वर्ड का मतलब है और सारे ऐसे एंगल बताए जाएंगे जहां से आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आईपीसी लेक्चर सीरीज कि अगर आपने बाकी के अभी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको देख डालिएगा, आपकी इंडियन पिनल कोड की ऐसी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने चीजों को एक्सप्लेन किया है। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज अबेटमेंट, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। सेक्शन 107 है वो बात करता है अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, मगर जो ऑफेंस आईपीसी के अंदर बनाया गया है वो अबेटमेंट ऑफ अ थिंग नहीं बनाया गया, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बनाया गया है। तो मतलब 107 के अंदर जो चीज डिफाइन है वो हमें सिर्फ ये बताता है कि अबेटमेंट क्या होगी किसी भी चीज के रेफरेंस में, और वो एक पनिशमेंट डिफाइनिंग ऑफेंस नहीं है। जो पनिशमेंट डिफाइनिंग ऑफेंस है वो 108 में दिया हुआ है। ठीक है, अभी उससे बढ़ने से पहले आगे जो आपका अबेटमेंट है ये चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है ऑफ आईपीसी, चैप्टर नंबर 5 ऑफ आईपीसी, एंड द रेलिवेंट प्रोविजन स्टार्ट्स फ्रॉम 107 टू 120। एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड, आपके लिए क्या क्या इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट, ऑफ अ थिंग तीन तरीके से होती है, बाय इंस्टिगेशन, इनके क्या इंप्लीकेशन है वो भी आपको ध्यान में रखना है, बाय एंगेजिंग इन अ कॉन्स्पिरेसी, एंड थर्ड बाय इंटेंशनल एड। मगर जो ये आपका जिस प्रोविजन के अंदर दिया हुआ है ये डेफिनेशन हमें 107 के अंदर दी हुई है, ये ऑफेंस डिफाइनिंग प्रोविजन नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि अबेटमेंट होती क्या है। जो अबेटमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सेक्शन 108 है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ सॉरी कि अगर कोई इंसान अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस को करता है या किसी ऑफेंस की अबेटमेंट करता है तभी वो एक ऑफेंस होगा एज पर द इंडियन पिनल कोड, और उसकी पनिशमेंट हमारी 109 के अंदर दी गई है। और इसके अलावा कि अगर जिसकी आपने अबेटमेंट की है, दो सिचुएशन हो सकती है ना, कि अबेटमेंट करने के कॉन्सिक्वेंस में वो इंसान ऑफेंस कमिट कर दे, या दूसरी सिचुएशन होती है कि जिसमें वो ऑफेंस कमिट ना करे। तो इस केस के अंदर क्या लायबिलिटी होगी अबेटर की, क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे कि अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस के अंदर अगर उसने क्राइम किया तब क्या लायबिलिटी होगी, और नहीं किया तब क्या लायबिलिटी होगी, या फिर अबेटमेंट अपने आप में सफिशियंट है चाहे एक्चुअल कमीशन हो या ना हो। ये सारे वो पहलू हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 115 का आप कंपैरिजन करते हैं सेक्शन 111 एंड 110 के साथ। ठीक, तो आपको क्या करना है कि अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस ठीक और अबेटर की डेफिनेशन, अबेटर कौन होगा, पनिशमेंट व्हेन एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस,
इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस और दूसरा जब वो एक्ट कमिट नहीं होती है इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट. एक्ट नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस. ये आपका मेजर बाइफर्केशन है इस टॉपिक का. यहां तक हो गया, चले आगे, कुछ था भी नहीं ऐसा. अब कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एडिंग अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस एज अ क्राइम अंडर द इंडियन पीनल कोड. अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस एज अ सेपरेट क्राइम. क्यों ऐड किया गया है इसको 34 के अंदर, क्यों ही कवर नहीं किया गया जो सेक्शन 34, जब हम कॉमन इंटेंशन. एक्चुअली में अबेटर होगा कौन, जो किसी क्राइम को, अगर आप सीधा एक एग्जांपल, हमने तीन चीजें देखी, इंस्टिगेशन, इंटेंशनल एड और एंगेजिंग इन ए कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी अपने आप में अलग है. अगर आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो क्राइम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप भी उस क्राइम का हिस्सा हो ना, तो आप 34 के अंदर क्यों नहीं जा रहे. और यही सिचुएशन अगर 5 से ज्यादा लोग की होती तो आप 149 के अंदर क्यों नहीं जा रहे. 34 के अंदर इसलिए नहीं जा रहे अबेटमेंट वाले ऑफेंस के अंदर, 34 के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होता है. और 149 के अंदर क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर नहीं है, आप उनसे दूर हैं. मतलब ये जो अबेटमेंट है इसको अपने आप में एक ऑफेंस बनाने का रीजन जो लेजिस्लेचर्स का रहा है वो ये है कि हमें उन सारे अपराधों को भी कवर करना है जो जिनके लिए कॉमन इंटेंशन की जरूरत नहीं है, या फिर कॉमन ऑब्जेक्ट का आपको हिस्सा नहीं होना है, ना 34 के अंदर जाना है ना 149 के अंदर जाना है, मगर कहीं ना कहीं दे आर एक्सेसरी टू दी क्राइम. आप ये वो लोग होते हैं अबेटर जो पीछे खड़े होकर मजा देखते हैं, उंगली कर देते हैं कि हाँ भाई तुम क्राइम करो, चाहे वो इंटेंशनल एड की तरीके से हो या कॉन्स्पिरेसी का कहीं ना कहीं हिस्सा बन के हो या फिर आप किसी को इंस्टिगेट करके कर रहे हो, बट दीज आर द पर्सन हु एक्चुअली वॉन्ट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, बट दे आर नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द क्राइम. ऐसे लोगों को कवर करने के लिए अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस का जो प्रोविजन दिया गया है हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर, इसको कवर करने के लिए अबेटमेंट को अपने आप में एक ऑफेंस बनाया है. ठीक है, अब चलिए हम प्रोविजन करते हैं अपना अबेटमेंट ऑफ अ थिंग की. बेसिकली जो ये आपका ऑब्जेक्ट है इसको ऐड करने का ये भी होता है कि कई बार ऐसे ऑफेंस होते हैं जो बिना किसी के सपोर्ट के नहीं किए जा सकते. ऐसे लोगों की कवरिंग करने के लिए भी अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस का जो अपराध है वो आईपीसी के अंदर लिखा गया है कि मतलब एनकरेजमेंट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जो सपोर्ट दे रहा है, जो एनकरेज कर रहा है उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, यही पर्पज है. चलिए सेक्शन 107 हमारा कोई भी ऑफेंस क्रिएटिंग प्रोविजन नहीं है, ये सिर्फ हमें ये बताता है कि अबेटमेंट ऑफ अ थिंग क्या होती है, अपने आप में वो अपराध नहीं है. अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग. यहां ऑफेंस तो नहीं लिखा हुआ ना, अगर ये ऑफेंस नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि सेक्शन 107 इज नॉट एन ऑफेंस क्रिएटिंग सेक्शन, नॉट एन ऑफेंस क्रिएटिंग सेक्शन और नॉट अ पीनल प्रोविजन. It just tells you what is abetment of a thing. A person abets the doing of a thing who instigate any person to do that thing. Instigate का मतलब क्या होगा? Incite करेगा, encourage करेगा और ये हाँ provoke करेगा crime करने के लिए.
इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग. सेकेंडली एंगेजेज विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स इन कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी एंड इन ऑर्डर टू डूइंग ऑफ द दैट थिंग. अब देखिए इसके अंदर क्या कहता है कि आप किसी चीज के लिए अबेटमेंट दूसरे तरीके से भी कर सकते हो. जब आप किसी इंसान के साथ, किसी दो लोगों के साथ किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन जाते हो, मगर अबेटमेंट तब तक नहीं होगी जब आप कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा तो बन गए, उसके साथ कंडीशन क्या है, एक्ट और इलीगल ओमिशन होना चाहिए उस कॉन्स्पिरेसी के बाद, तभी वो अबेटमेंट होगी. मगर कॉन्स्पिरेसी के अंदर क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी के अंदर ये एडिशनल फैक्ट की जरूरत नहीं होती. अगर वो एग्रीमेंट क्या है आपका, इफ द एग्रीमेंट इज टू कमिट एन ऑफेंस, फॉर द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी एग्रीमेंट इज द जिस्ट. मगर अबेटमेंट के अंदर क्या है, आप कॉन्स्पिरेसी का भी हिस्सा है मगर उसमें अबेटमेंट की कैटेगरी के अंदर वो तब तक नहीं आएगा जब तक कोई एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक प्लेस नहीं करता इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी टूवर्ड्स द डूइंग ऑफ दैट थिंग. दैट थिंग आपका कोई पॉजिटिव चीज भी हो सकती है, कोई ऑफेंस भी हो सकता है, क्योंकि अभी हम यहां पर ऑफेंस के रेफरेंस में नहीं देख रहे, हम एक न्यूट्रल टर्मिनोलॉजी के रेफरेंस में देख रहे हैं. दैट इज व्हाई द वर्ड थिंग इज रिटन ओवर हियर. थर्डली इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन डूइंग ऑफ दैट थिंग. इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग. इंटेंशनल एड क्या हो सकती है, दो लोगों की आपस में लड़ाई हो रही है, एक को तुम, अरे लेना बंदूक मार दे गोली, ज्यादा बोल रहा है ये. पर्पस आप क्या कर रहे हो, उसको एड कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो ये इस कैटेगरी के अंदर आएगा. इंटेंशनल एड बाय एन एक्ट और इलीगल ओमिशन. एक्ट का मतलब आपको पता ही है कि एक्ट इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट, और उसी तरह एक्ट इंक्लूड और क्या करेगा, इलीगल ओमिशन भी करेगा. और जहां पर भी वर्ड इलीगल ओमिशन होगा उसका मतलब सीरीज ऑफ इलीगल ओमिशन भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा. ठीक. अब यहां पर वर्ड है वर्ड पर्सन. पर्सन कौन हो सकता है, बस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, सेक्शन 10 के हिसाब से ना, मैन वुमन फर्म कॉरपोरेशन कुछ भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है इसको. एक्सप्लेनेशन देखिए अब आगे. अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन. विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब उसको पता है कि वो जो कर रहा है वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है. और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज. विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट कि मतलब ऐसा फैक्ट है जो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज, मगर वो अपनी मर्जी से वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है. वॉलंटरली कॉजेज और प्रोक्योर्स. वॉलंटरी की डेफिनेशन कहां से, सेक्शन 39. कितने तरीके से, तीन तरीके से. When he has intention, knowledge, and reason to believe. Voluntary causes or procures or attempt to cause or procure. या तो कर ले या करने की कोशिश करे. Attempt भी include है. Cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing. A person who by willful misrepresentation, मतलब instigation के लिए एक जो इसके अंदर explanation के अंदर बताया गया है कि जो particular इंसान है जिसको हम abetment के लिए दोषी मानेंगे उसकी तरफ से कोई willful misrepresentation होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा जो important material fact है जो उसको disclose करना है उसने वो disclose नहीं किया है. Willful concealment of a material fact which he is bound to disclose. अब इलस्ट्रेशन के अंदर वही बताया कि तुम्हारे पड़ोस में कोई किसी को अरेस्ट करने आया, तुम्हें पता है तुम्हारे पड़ोसी का नाम असली
क्या है और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी। रामधारी नाम है उसका और रामधारी को अरेस्ट करने पुलिस नहीं आई है। मगर आप क्या चाह रहे हो कि आपकी तो उस पड़ोसी के साथ लड़ाई है, चलो तो इसके थोड़े से मजे लिए जाएं। आप पुलिस वाले को क्या कह देते हो, यही है जिसे आप अरेस्ट करने आए हो। तो पुलिस इस चक्कर में इसको अरेस्ट करके लेके जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन किया है। तो उस वजह से ये एक तरह से जो पुलिस ऑफिसर के रेफरेंस में क्या हो गया, इंस्टिगेशन हो गया है। ठीक है, ए अ पब्लिक ऑफिसर इज ऑथराइज्ड बाय अ वारंट फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू अप्रीहेंड जेड। ए को कोर्ट से एक ऑर्डर मिला है, वारंट मिला है कि उसको जेड को अरेस्ट करना है। बी को ये पता है कि ए जो पब्लिक सर्वेंट है वो जेड को अरेस्ट करने आया हुआ है। बी नोइंग दैट फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट जेड, और उसे ये भी पता है कि सी वो नहीं है जिसको ये अरेस्ट सच में करना चाहता है, ये अपनी तरफ से एक मिसरिप्रेजेंटेशन पुलिस ऑफिसर को दे देता है कि सी ही जेड है जिसे आप अरेस्ट करने आए हो, और उस चक्कर में ही देयर बाय इंटेंशनली कॉजेज ए टू अप्रीहेंड जेड। ये क्या करता है, ए इससे इसकी बात में आकर ए सी को अरेस्ट कर लेता है। मगर इन रियलिटी ए किसको अरेस्ट करने आया था, जेड को अरेस्ट करने आया था, और किसको अरेस्ट किया, सी, और सी जेड नहीं है। ये किस वजह से हुआ, क्योंकि बी ने विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन की। तो इस सिचुएशन के अंदर आप ये बोल सकते हो कि बी हैज अबेटेड द रॉन्गफुल अरेस्ट ऑफ सी। ठीक है, और ये जो अबेटमेंट हुई है, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन हुई है। सपोज करो बाद में मुकदमा चलता है, पब्लिक सर्वेंट को कोई सजा होगी, क्योंकि उसने तो गुड फेथ में काम किया है। गुड फेथ के लिए एक्सेप्शन कौन सी, सेक्शन 676 मिस्टेक ऑफ एक्ट। तो पुलिस ऑफिसर तो वहां से बच जाएगा, इजंट इट, और जो ये कंसर्न पर्सन है इसको अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए लायबल हो जाएगा, ये रॉन्गफुल अरेस्ट के लिए लायबल हो जाएगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन टू क्या कहती है, हु एवर आइदर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट। कोई इंसान या तो क्राइम होने से पहले या वो क्राइम जब हो रहा हो उस टाइम कुछ ऐसा करता है, और उसकी मंशा क्या होनी चाहिए, डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू। यहां से क्या पता चलता है, एक तरह से मंशा, उसका पर्पस क्या है कि जो वो एक्ट करना चाह रहा है उसको फैसिलिटेट करना चाह रहा है, एंड देयर बाय फैसिलिटेट द कमीशन देयर ऑफ। दोनों चीज हैं, चाह भी रहा है और वो कुछ ऐसा करता है उसकी वजह से एक्चुअल फैसिलिटेशन भी हो रहा है, तभी वो माना जाएगा इज सेट टू डूइंग ऑफ दैट एक्ट। Is said to aid the doing of that act. मतलब ये कौन सी होगी, अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड। इसका एग्जाम्पल, दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक, आप देख रहे हो कि आपस में लड़ रहे हैं और आपको बहुत आ रहा है मजा, और एक पार्टी दूसरी पार्टी जिसको मार रही है, आप उनमें से एक पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो। ए और बी की लड़ाई हो रही है और आपकी इच्छा है कि बी को ज्यादा नुकसान हो जाए, तो आप ए को बोलते हैं, अरे क्या कर रहा है, ले चप्पल, ले जूता, ले खींच के मार, ये ले। आपकी तरफ से पहला कंपोनेंट हो गया, ही डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दी। हाँ, इसके बाद जैसे ही आपने चप्पल बढ़ाई या जूता बढ़ाया, जिसने लेना था उसने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया, फेंक दिया, साइड में कर दिया, तो क्या अभी भी इंस्टिगेशन बाय इंटेंशनल एड होगी? सेकंड कंपोनेंट कहां पूरा हुआ, एंड देयर बाय फैसिलिटेट द कमीशन देयर ऑफ, ये कंपोनेंट कहां पूरा हुआ है? ये पूरा होगा तभी तो
तब ये इंटेंशनल एड वाला नहीं होगा, अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड नहीं होगा। बिल्कुल वही मैं बताना चाह रहा हूं, अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड नहीं होगा, बट इट कैन बी अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, क्योंकि आप उसको उकसा रहे हो ना कि भाई इसको चप्पल से मार, जूते से मार। उसके रियलिटी के अंदर चाहे वो क्राइम हो या ना हो, आगे एक्सप्लेनेशन भी आएंगी, तब उसमें एक जगह लिखा भी हुआ है, द मोमेंट यू अबेटेड द ऑफेंस, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है, अबेटमेंट का क्राइम अपने आप में पूरा हो गया है। वेदर द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस और नॉट, द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कंप्लीट। ठीक है, अगर वो चप्पल लेके, जूता लेके उसको मार देता तो अबेटमेंट बाय इंटेंशनल लेट हो जाती, क्योंकि दोनों कंपोनेंट पूरे हो रहे हैं। डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट, और उस वजह से कमीशन ऑफ दैट एक्ट फैसिलिटेट भी हो रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए जो अबेटर की डेफिनेशन है वो आपके सेक्शन 108 के अंदर दी गई है, और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अबेटर की डेफिनेशन 108 के अंदर है और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेक्शन 108, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस। अब देखिए जो आपका सेक्शन 107 था उसके अंदर लिखा हुआ था अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, मगर यहां पर क्या लिखा हुआ है, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो आपका जो पीनल प्रोविजन है, ऑफेंस डिफाइनिंग प्रोविजन है, वो सेक्शन 108 है। इट इज अ ऑफेंस डिफाइनिंग प्रोविजन। अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस तो नहीं था ना। अबेटर किसको बोला गया है, फॉर द पर्पज ऑफ लॉ, जो किसी ऑफेंस को अबेट करेगा। अबेटमेंट ऑफ अ थिंग को करेगा तो हमारे लिए वो क्रिमिनल नहीं है। ठीक, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ऑफेंस की डेफिनेशन कौन सी, सेक्शन 40 के हिसाब से, जिसको या तो आईपीसी के अंदर बोला गया है या फिर किसी स्पेशल और लोकल लॉ के अंदर भी बोला गया, और एक दो चीजें और हैं, तो उस हिसाब से जो ये डेफिनेशन हमारी फॉलो हो रही है वो सेक्शन 40 के हिसाब से ऑफेंस की डेफिनेशन है। और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ अ विक्टिम। अब ये क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट तो आपको समझ आ गया होगा, हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या फिर जो कमीशन ऑफ एन एक्ट को अबेट करता है, अगर वो ऑफेंस होती कब, जब उसी एक्ट को कोई इंसान ऐसा जो लॉ के द्वारा कैपेबल होता उस पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए विद सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर। मतलब अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज, वेदर कैपेबल बाय लॉ और इनकैपेबल बाय लॉ, इनकैपेबल बाय लॉ है, तो ये ऑफेंस कब होता, जब इसको कोई मेजर करेगा। तो क्या अगर हम किसी बच्चे को उकसा रहे हैं तो वो अबेटमेंट नहीं होगी। अब आप इस सेकंड पार्ट को ध्यान से पढ़िए, और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर। अगर ये बंदा कैपेबल बाय लॉ, अभी जैसे माइनर की हम बात कर रहे हैं, अगर ये कैपेबल बाय लॉ नहीं है तो वो तो ऑल टुगेदर फर्स्ट पार्ट में आ गया होता ना। मगर इन रियलिटी के अंदर बच्चा कैपेबल बाय लॉ नहीं है, तो उस एक्ट को भी अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस की कैटेगरी में डाला है। जहां तक अबेटर की बात है, ठीक है, इसके रेफरेंस में दो चीजें कह रहा है कि किसी ने एक ऑफेंस को अबेट किया, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस। ठीक,
तो ये अबेटमेंट के अंदर आ रहा है। दूसरी सिचुएशन में आपको दो तरीके से डिवाइड करूं, अभी हम उसको ये देख ही नहीं रहे कि वो एक्ट ऑफेंस है या नहीं, किसी एक्ट को अबेट किया और वो क्या है, अबेट किसके द्वारा, अ बॉय ऑफ 6 ईयर्स टू मर्डर एक्स, ठीक। ये एक्ट अपने आप में क्राइम है कि अगर बच्चा 6 साल की उम्र का अगर किसी को मर्डर कर दे तो ये क्राइम तो नहीं है ना, ऑफेंस तो नहीं है ना, बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 82, ठीक है, ठीक है। मगर ये एक्ट कब ऑफेंस होती, इफ इट वुड हैव बीन डन बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ विद द सेम इंटेंशन एज ऑफ अ बेटर, ठीक है। तो लॉ ये कह रहा है, जो ये डेफिनेशन कह रही है कि ये भी अबेटमेंट की, अबेटर की कैटेगरी में आएगा, जो ये इंसान ने ये एक्ट अबेट की है ना, ये भी अबेटर होगा, चाहे इस, क्योंकि आपका जो फोकस है वो एक्ट के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है, करवाने वाले के ऊपर, जिसको आपने उकसाया उसके ऊपर फोकस नहीं है ना, एक्ट के ऊपर है, आपका फोकस किसके ऊपर है, जो उकसा रहा है, ठीक है। दैट इज वाई दिस पर्सन जिसने ये चीज अबेट की है वो भी अबेटर की डेफिनेशन के अंदर आएगा, क्योंकि ये जो चीज है, क्योंकि बच्चे ने क्राइम कमिट की एक्ट किया है तो इसलिए ये ऑफेंस नहीं है। अगर इसी चीज को कोई मेजर करता, कैपेबल बाय लॉ करता, तो वो ऑफेंस हो जाता ना। तो वही चीज आपका 108 अबेटर की डेफिनेशन के अंदर बोल रहा है, ठीक। एक्सप्लेनेशन वन क्या कहता है कि द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट, द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू दैट एक्ट। इलीगल ओमिशन, अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन, इलीगल ओमिशन किससे करवा रहा है, जो अधिकारी या जो कंसर्न इंडिविजुअल है उसको वो करना था, आपने उसको उकसाया, उसको अबेट किया, ठीक है। जो अबेटर है वो अपने आप में उस काम को करने के लिए लायबल नहीं था, बाउंड नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वही लाइफ सेफ गार्ड वाला एग्जाम्पल, आपके सामने एक जो लाइफ सेफ गार्ड है, लाइफ सेफ गार्ड खड़ा था नदी के किनारे, उसके सामने कोई इंसान डूब रहा था, वो बचाने जाता है, आप उसको क्या कह देते हो, मत बचाओ। यहां पर जो अबेटर है आप है, क्या आप उस एक्ट को करने के लिए बाउंड हो, आपके लिए तो वो इलीगल ओमिशन नहीं है ना, मगर जो गार्ड है उसके रेफरेंस में है, हाँ। तो ये यही कह रही है, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये यही कह रही है कि अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू दैट डू दैट एक्ट। एक्सप्लेनेशन टू क्या कह रहा है, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्वेस्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। ये वो एक्सप्लेनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन टू क्लियरली ये कहती है कि ये जरूरी नहीं कि जो एक्ट अबेट की गई है वो एक्ट हो ही हो, या फिर जो इफेक्ट उससे होना था वो हो ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चाहे वो एक्ट हो रही है या नहीं हो रही, या वो पर्टिकुलर इफेक्ट कॉज हो रहा है या नहीं हो रहा, जैसे ही आपने किसी को इंस्टिगेट किया, किसी के साथ एंगेजेस विद कॉन्स्पिरेसी हुए और उसके साथ कुछ ओवर्ट कोवर्ट एक्ट और इलीगल ओमिशन भी कर दिया, या फिर इंटेंशनल एड के थ्रू वो काम कर दिया, तो आपका हमें पूरा जो अबेटमेंट का ऑफेंस है वो हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव वेदर द पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन कमिटेड और नॉट, और वेदर द इफेक्ट रिक्वेस्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस हैज बीन कॉज्ड और नॉट। मतलब क्या है, आपने किसी को उकसाया कि भाई तुम एक्स को मार दो, सामने वाले ने मना कर दिया, मगर आपने तो उकसा दिया ना,
तो अबेटमेंट का ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आपके उकसावे में आकर उसने सामने वाले को गोली मारी, मर वो मरा नहीं, वो साइड में इधर उधर हो गया, तो जो इफेक्ट रिक्विजिट था वो भी नहीं हुआ, तब भी आपका ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट टू मर्डर कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। ये आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कहीं ना कहीं हमें ये समझाने की कोशिश करती है। इलस्ट्रेशन क्या कहती है, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, ए बी को इंस्टिगेट करता है सी को मारने के लिए, बी मना कर देता है मैं नहीं मारता, यहां पर ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। अब देखिए इस इलस्ट्रेशन उसी पॉइंट पे है, एक्ट अबेटेड इज नॉट कमिटेड, स्टिल द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज देयर, और जो पर्सन कंसर्न है उसको अबेटर माना जाएगा बिकॉज ही हैज अबेटेड द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। दूसरा क्या कहता है, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी, बी इन परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन स्टैब्स डी, डी के छाती में चाकू घोंप देता है, उसको स्टैब कर देता है, बट डी रिकवर्स फ्रॉम द वुंड, ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर, ए ने बोला जाके बी को मार दो, ए ने बी को बोला कि जाके डी को मार दो, बी इंस्टिगेशन के अंदर आकर डी को डी के ऊपर अटैक कर देता है, उसको कुछ इंजरी होती है मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ठीक हो जाता है, जो इफेक्ट रिक्विजिट था मर्डर के ऑफेंस के लिए कि डेथ कॉज होनी चाहिए वो उस अबेटमेंट के परसुएंस में नहीं होती है, मगर ऐसा नहीं है कि आपका अबेटमेंट का ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ, आपका अबेटमेंट कंप्लीट हो गई है, क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा था कि जो इफेक्ट रिक्विजिट होगा वो चाहे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन थ्री, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, ये जरूरी नहीं है कि जिसको आप अबेट कर रहे हो वो कैपेबल होना चाहिए लॉ के हिसाब से उस पर्टिकुलर क्राइम को करने के लिए, मतलब एक अबेटमेंट एक पागल की भी हो सकती है, लीगल पागल की जिसके लीगल इंसेन है, या अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स की भी हो सकती है, या फिर अ चाइल्ड बिटवीन 7 to 12 भी हो सकती है ऑफ मैच्योर इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग, या फिर इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन वाले की भी हो सकती है, तब उन सार या कोई ऐसा इंसान है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर काम कर रहा है, उस सिचुएशन के अंदर भी आपकी अबेटमेंट हो सकती है। ठीक है, ये मैटर नहीं करेगा कि जिसको आपने अबेट किया है वो लॉ के द्वारा सक्षम है क्या किसी क्राइम को करने के लिए या नहीं, और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर, ये भी मैटर नहीं करेगा कि उसकी अबेटर के जैसी इंटेंशन है या नहीं, या फिर एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज, ये भी जरूरत नहीं है कि जिसको आप अबेट कर रहे हो उसकी कोई इंटेंशन है ही नहीं, अगर नहीं भी होगी आपने तो उसको कर दिया ना अबेट, चाहे इंटेंशन के थ्रू किया, कॉन्स्पिरेसी के थ्रू किया, इंटेंशनल एड के थ्रू किया, आपका ऑफेंस अपने आप में कंप्लीट हो गया जिस मोमेंट आपने ये चीज कर दी, क्योंकि फोकस किसके ऊपर है, फोकस उसके ऊपर है जो करवा रहा है, जो उकसा रहा है, जो इंस्टिगेट कर रहा है, जो इंटेंशनल एड कर रहा है, वो है ऑफेंडर। इलस्ट्रेशंस देखिए, ए विद द गिल्टी इंटेंशन अबेट्स अ चाइल्ड और अ लुनेटिक टू कमिट एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस having the same intention as of A here, A whether the act be committed or not is guilty of abetting an offense. अगर A ने किसी पागल इंसान को बच्चे को उकसा दिया, वही जो चीज़ हम अभी डिस्कस करके आए हैं, चाहे उसके परसुएंस में एक्ट कमिट हो या ना हो, जैसे ही उकसाया अबेट किया ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट कंप्लीट हो गया। A with the intention of murdering Z instigate B a child under 7 years of age to do an act which causes Z's death. B in consequence of the abetment does the act in absence of B and thereby causes Z's death. A ने एक 7 साल से कम उम्र के बच्चे को उकसाया कि Z को मार दो, मतलब क्या एग्जाम्पल दोगे, जाके उसके हलवे में जहर मिला के दे दो, उसके खाने में मिला दो, सपोज करो ऐसा ही हुआ, और जो बच्चा था A की एब्सेंस में ये काम करके आ जाता है और उसकी वजह से जो पर्सन कंसर्न था उसकी डेथ कॉज हो जाती है, बच्चे को डिफेंस मिलेगा 82 का, मगर जो अबेटर है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस होगा, और अबेटर ऑफ किसी भी पर्टिकुलर क्राइम को जो अबेट करता है उसको ऑलमोस्ट वही पनिशमेंट मिलती है जो मेन ऑफेंडर को मिलती है,
ठीक है, अनलेस एंड अंटिल लॉ स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स सेपरेट पनिशमेंट फॉर स्पेसिफिक अबेटमेंट। एक एग्जाम्पल बताइए जो आपके आईपीसी के अंदर जहां पर किसी क्राइम की स्पेसिफिक अबेटमेंट को एक क्राइम बनाया गया है अलग से, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को बनाया गया है, ठीक है। दो बी वॉज नॉट कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, चाहे बी क्राइम करने में सक्षम था या नहीं, ए इज लायबल फॉर टू बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ बी हैड बीन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस एंड हैड कमिटेड द ऑफेंस एंड ही इज देयरफॉर सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ। ए को कौन सी पनिशमेंट मिलेगी? डेथ की पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि सेम पनिशमेंट। अभी ये प्रोविजन भी है कि अबेटर को क्या पनिशमेंट मिलेगी अगर ऑफेंस कॉन्सिक्वेंस में कमिट हो गया है, तो सेम पनिशमेंट फॉर द डूअर। सिंपल लॉजिक है। अगली इलस्ट्रेशन ये कहती है, ए इंस्टिगेट बी टू सेट फायर टू अ ड्वेलिंग हाउस। ए बी को इंस्टिगेट करता है कि वो एक ऐसे घर में आग लगा दे जो ह्यूमन ड्वेलिंग की तरह यूज होता है, जिसके अंदर बहुत सारे घर, जिसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। तब उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? ए इंस्टिगेट बी टू सेट फायर टू अ ड्वेलिंग हाउस बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ए इंस्टिगेट बी टू सेट फायर टू अ ड्वेलिंग हाउस बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। बी इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग इज इधर रॉन्ग और कंट्ररी टू लॉ। मतलब ये कौन सा है? लीगल इनसैनिटी की बात कर रहा है। अनसाउंडनेस तो हमने यूज कर दिया, मगर कहीं ना कहीं इलस्ट्रेशन के अंदर ये बता दिया है कि बी कंप्लीटली लीगली इनसेन है, कि मतलब उसको बेनिफिट मिलेगा 84 का, ठीक है। सेट्स फायर टू द हाउस इन कंसिक्वेंस ऑफ एज इंस्टिगेशन, मगर वो ए के इंस्टिगेशन के फलस्वरूप ही आग लगा देता है घर में। बी हैज कमिटेड नो ऑफेंस, क्योंकि वो तो पागल है, लीगल इंसेन है। बट ए इज गिल्टी ऑफ द अबेटिंग द ऑफेंस ऑफ सेटिंग फायर टू अ ड्वेलिंग हाउस एंड इज लायबल फॉर द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। ए इंटेंडिंग टू कॉज अ थेफ्ट टू बी कमिटेड, एक ही इंटेंशन है कि किसी के घर में चोरी हो जाए। ही इंस्टिगेट बी टू टेक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड, वो बी को इंस्टिगेट करता है कि तुम जेड की प्रॉपर्टी ले लो जेड के पोजेशन से बिना जेड के कंसेंट के। ए इंड्यूसेस बी टू बिलीव दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए, ए बी को ऐसा महसूस करवाता है कि वो जो जेड के पास जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? ए की। तो इसका मतलब बी किसके अंदर काम कर रहा है? बी मतलब मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंदर काम कर रहा है। हियर बी इज एक्टिंग अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, और इस मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की वजह से इसके बहकावे में आके वो जेड से वो प्रॉपर्टी ले लेता है, ठीक है। बी एक्टिंग अंडर दिस मिसकंसेप्शन डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली, क्योंकि ये इस मिसकंसेप्शन के अंदर काम कर रहा था चाहे चोरी की, मगर इसकी यहां पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। इसकी इंटेंशन क्या थी? कि जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसी के पास उसकी प्रॉपर्टी चली जाए। तो यहां पर उसकी इंटेंशन कौन सी नहीं हुई? डिसऑनेस्टली नहीं हुई। डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्ट इंटेंशन एक अहम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? थेफ्ट का। और जब वो एक अहम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है थेफ्ट का, जो प्रेजेंट नहीं है, तो थेफ्ट नहीं होगा। विद रेफरेंस टू बी, बी विल नॉट बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बट ए विल बी लायबल फॉर अबेटिंग द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज इफ बी हैड कमिटेड थेफ्ट, ठीक। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन फोर, the abatement of an offense being an offense, the abatement of such an abatement is also an offense. abatement of an offense, क्योंकि अपने आप में एक offense है। जैसे मैंने किसी को उकसा दिया कि तुम जाके सी का मर्डर कराओ, तो ये अपने आप में offense है। तो ये जो explanation ये कह रही है कि abatement of an offense
विल ऑल्सो बी एन ऑफेंस। मतलब अगर चेन है कि मैं ए को इंस्टिगेट करूं और ए को बोलूं कि तुम जाके बी को इंस्टिगेट करो ताकि वो सी का मर्डर कर दे, तो ये भी ऑफेंस होगी, मैं भी लायबल होऊंगा अगर वो ऑफेंस चाहे कमिट हो रहा है या नहीं हो रहा, मैंने तो अपनी तरफ से अबेटमेंट कर दिया। अगर मैं अबेट करूं ए को कि तुम जाके बी को अबेट करो ताकि वो सी का मर्डर करे, तो मैं लायबल होऊंगा फॉर द अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस के लिए बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। ये क्या कहती है कि ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी, ए बी को इंस्टिगेट करता है ताकि वो सी को इंस्टिगेट करे जेड को मारने के लिए, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया। बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, सी कमिट्स दैट ऑफेंस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीज इंस्टिगेशन, बी इज लायबल टू बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस विद द पनिशमेंट फॉर मर्डर एंड ए इंस्टिगेटेड बी टू कमिट द ऑफेंस, ए इज लायबल फॉर द सेम पनिशमेंट। अब देखिए, अगर मैंने ए को इंस्टिगेट किया कि तुम जाके बी को इंस्टिगेट करो ताकि वो सी का मर्डर करे, इसके अंदर अबेटमेंट के लिए किस किस को पनिशमेंट हो सकती है? ठीक, मगर यहां बी कहीं ना कहीं विक्टिम नहीं है? मैंने उसको उकसाया है ना, अगर मैं नहीं उकसाता तो वो जाके दूसरे को थोड़ी ना उकसाता। दोनों होंगे लायबल फॉर द अबेटमेंट, जो ओरिजिनल अबेटर है और जो सेकेंडरी अबेटर है, ही विल आल्सो बी लायबल फॉर द सेम ऑफेंस। एक्सप्लेनेशन इट इज, मगर अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए जरूरी नहीं है ना कि आपका अल्टीमेट ऑफेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने अगर किसी को अबेट किया है तो ऑफेंस इज कंप्लीट, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस इज कंप्लीट। एक्सप्लेनेशन 5, इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। नॉट नेसेसरी कौन सी के लिए? ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसल्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। ये जरूरी नहीं है कि जो एक्चुअल में क्राइम कर रहा है उसके साथ अबेटर कंस्पायर करे। इट इज सफिशियंट इफ ही एंगेजेस इन द कॉन्स्पिरेसी इन परसुएंस ऑफ विच ऑफेंस इज कमिटेड। जैसे कई बार क्राइम, सेक्शन 10 आप एविडेंस एक्ट का इसको रेलिवेंट देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है जिसके अंदर बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट्स कमिट होने चाहिए होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो अबेटर है, जो अगर आप एंगेजेस बाय कॉन्स्पिरेसी वाली सिचुएशन के अंदर हैं, तो उसके अंदर हर स्टेज के अंदर हर बात का उसे पता होना चाहिए कि कौन कौन इंसान इन्वॉल्व है। ये जरूरी नहीं है, ये कह रहा है क्योंकि जैसे अगर सपोज करो किसी अगर बैंक के अंदर डकैती डलनी है, उस सिचुएशन के अंदर कॉन्स्पिरेसी में बहुत सारे लोग होंगे, कौन वेपन अक्वायर करके लाएगा, कौन अगर अब जिसने किसी ने थर्ड पर्सन ने वेपन अक्वायर किए और उसने एक मेन कॉन्स्पिरेटर को लाके दे दिए, अब इसका काम यहीं पे खत्म। एनी हाउ ही इज एंगेजेज इन द कॉन्स्पिरेसी बट ही इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्चुअल कमीशन ऑफ द क्राइम, और उसे ये भी नहीं पता कि कौन लोग आगे जाके फाइनली बैंक को लूटेंगे, तब भी ही विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। ये इससे हमें पता चल रहा है। इलस्ट्रेशन देखिए, ए कंसल्ट्स विद बी अ प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड। ए बी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि भाई जेड को जहर दे के मारेंगे। इट इज एग्रीड दैट ए शेल एडमिनिस्टर द पॉइजन। ये तय होता है कि ए जहर देगा किसको? जेड को। बी देन एक्सप्लेन्स द प्लान टू सी मेंशनिंग दैट अ थर्ड पर्सन इज टू एडमिनिस्टर पॉइजन। बी ये सारा प्लान किसको बताता है? सी को। सी कौन है? अभी तक जिसका सी का कोई जिक्र नहीं आया था, मगर ए और बी के बीच में आपस में ये समझौता हुआ था कि ए जहर देगा जेड को, ठीक है। अब जो बी है ये अपना प्लान बताता है कि कोई तीसरा इंसान है इस सी को, ये नहीं बता रहा कि ए देगा, कोई थर्ड पर्सन है, कोई अनजान व्यक्ति है, मुझे भी नहीं पता कि कौन देगा, वो ये बताया कि तीसरा इंसान सी देगा जेड को जहर।
मेंशनिंग दैट अ थर्ड पर्सन इज टू एडमिनिस्टर द पॉइजन बट विदाउट मेंशनिंग एज नेम सी एग्रीज टू प्रोक्योर द पॉइजन। इस बिना पर सी एग्री कर जाता है कि मैं जहर लेके आ जाता हूं और वो बी को दे देता है फॉर द पर्पज ताकि फाइनली जेड को एडमिनिस्टर किया जा सके। इसके बाद बी जब जहर लेके आता है वो ए को दे देता है एंड ए एडमिनिस्टर द पॉइजन, जेड डाइज इन कंसीक्वेंस। हेयर ऑल्दो ए एंड सी हैव नॉट कंस्पायर्ड टुगेदर, ना ही वो आपस में मिले हैं ना उन्होंने आपस में कोई डायरेक्ट कॉन्स्पिरेसी की है, मगर एनी हाउ सी हैज बीन एंगेज्ड इन द कॉन्स्पिरेसी। उसको ये तो पता था ना कि किसी इंसान को जहर देके मारा जा रहा है, ठीक है, तो ही इज सेड टू बी एंगेज्ड इन द कॉन्स्पिरेसी और उस वजह से वो अबेटर कहलाएगा, ठीक है। इन परसुएंस ऑफ विच जेड हैज बीन मर्डर्ड, सी हैज देयरफॉर कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन एंड इज लायबल टू द पनिशमेंट फॉर मर्डर। जहर लाके दिया है ना, तो अबेटमेंट के लिए वो लायबल होगा, अबेटर माना जाएगा एज पर दिस प्रोविजन। क्लियर? तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था वो पूरा होता है, सेक्शन 107 एंड 108 के ऊपर डिस्कशन पूरा होता है। आप बताइए, अपनी फीडबैक दीजिए कि आपने आज के वीडियो से क्या सीखा और आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तीन की टेक अवेज आज के लेक्चर से कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी के इसी की तरह और लॉ एग्जाम और जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। वैसे मैं ये मानता हूं कि आपने हमारे और कंटेंट को देखकर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। उसके अलावा और अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी और एपीओ एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट एंड एंड्रॉयड ऐप। आपको ही पता है कि 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू होने वाले हैं और जितनी भी अब नई वैकेंसी आएंगी जुडिशियल सर्विसेज की और एपीओ एग्जाम में वो नए कानून पूछे जाएंगे। तो आप ही के लिए एक फ्रेश बैच शुरू कर रहे हैं हम जुडिशियल और एपीओ का 20 मार्च 2024 से। तो आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि आपको नए कानून पढ़ाए जाएंगे और 1 जुलाई 2024 से पहले आपकी सारी तैयारी पूरी कर दी जाएगी। चले मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।